पलामू प्रमंडल से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरों के लिए सिर्फ एक ही जगह बंसीधर न्यूज। और बंसीधर न्यूज अब यूट्यूब पर भी, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि पलामू से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले पहुंचे आपके पास। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से 8 राउंड तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर के 10,763 मतों से निवर्तमान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को पछाड़ते ही झामुमो समर्थकों ने गढ़वा शहर में निकाला जुलूस। उड़ने लगे बम पटाखे। 8 राउंड तक मिथिलेश कुमार ठाकुर को कुल 38,866 मत प्राप्त हुआ, जबकि भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी को 28,103 मत मिले हैं। इसी तरह 9वां राउंड तक भवनाथपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप शाही 29,456 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय उम्मीदवार अनंत प्रताप देव से आगे चल रहे हैं। इन्हें कुल 43,147 मत मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी अनंत प्रताप देव मत लाकर 13,691 मत लाकर दूसरे नंबर पर तथा बसपा प्रत्याशी सोग्राम बीबी को 12,850 मत लाकर तीसरे नंबर पर हैं। इसी तरह गढ़वा तथा भवनाथपुर विधानसभा के चुनाव का प्रत्येक राउंड की जानकारी के लिए आप देखते रहिए बंशीधर न्यूज।